नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बापू एजुकेशन सोसाइटी के जरिए तमाम कल एजुकेशनल एग्जीबिशन और सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें लीजेंड ऑफ अकोला और स्टार ऑफ शाह बाबू के जो फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हुआ, रंजीत पाटिल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, इनके जरिए से ये इजाजत दिए गए। इसके पीछे मकसद ये है कि मुस्लिम तलबा को इनक्रेजमेंट करना और मुसलमानों में तालीमी तहरीक को आम करना, ताकि सच्चर रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछड़ापन है तालीम के मैदान में वो कम किया जा सके। आपने कल जो ये एजाज करवाया है जिन लोगों का, उसका आपका मकसद क्या था? उसका मकसद यही है कि जब तालीम हासिल की जाए, आला दर्जे की मेहनत की जाए, तो ये मकामात हमारे आज के बच्चे भी हासिल कर सकते हैं, जबकि ये आज से 50-60 साल पहले के लोगों ने हासिल किए। आपको इसमें किस तरह की कामयाबी मिल रही है, किस तरह का आपको लग रहा है कि फ्लो इसमें है, कि इससे क्या दूसरे अदर छात्रों को या फिर उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ी कामयाबी तो यह है कि हम जिस एरिया में, जिस इलाके में हम स्कूल जारी किए हुए हैं, सलम एरिया, वहाँ के पेरेंट्स में ये बात आम होती जा रही है कि वो भी इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को दाखिला दिलवा रहे हैं और उनके बच्चे UPSC MPSC के एग्ज़ाम देने की इरादे में और उसकी ख्वाहिश कर किए हुए हैं और वो अचीवमेंट कर